बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे पानी पूरी का खट्टा मीठा तीखा मसालेदार पानी, जो कि आपको 100% गारंटीड अच्छा लगेगा। और इसके आगे ना सारे स्ट्रीट स्टाइल और ठेले वालों का पानी भी आपको फीका लगेगा। तो कैसे बनेगा, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोल में लेंगे थोड़ी सी इमली, तो ये करीबन 50 ग्राम इमली होगी। और ये सीडलेस वाली इमली मैं यूज़ करी हूँ, इजिली मिल जाती है मार्केट में। इसके साथ ही मैं यूज़ करी हूँ 25 से 50 ग्राम गुड़, या जैसा आपको मीठा पसंद हो। तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया। और इसके ऊपर हम डाल देंगे गरम पानी, तो एक कप गरम पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और मान लीजिए अगर आप जल्दी में हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आप जल्दी से एक उबाल भी ला सकते हैं भिगाने के बाद। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ 15 मिनट के लिए, तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इतनी देर में आप अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ छोटे से ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ थोड़े से धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, एक दो टुकड़े अदरक के, 3 से 4 हरी मिर्चें, या जैसे आपको स्पाइसी पसंद है यहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टुकड़े लहसुन के। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबल स्पून। इसको पिसने के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, तो करीबन आधे लेमन का मैं जूस इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, दो चीज़ें आपको मिलेगी, आपका जो पानी है वो अच्छा सा खट्टा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, साथ ही जो हरा पानी हरा मसाला हम बनाने जा रहे हैं ना, वो आपका काला नहीं पड़ेगा। तो ये था आपके लिए आज का टिप, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, क्योंकि इसमें जो धनिया के पीसेस और मिर्ची के जो पीसेस थोड़े से मुंह में आते हैं, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आप चाहे तो इसको एकदम स्मूथ पेस्टी भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो ये जो है ना हम बाद में यूज़ करेंगे, तो स्टे ट्यून, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है फ्रेंड्स। तो इसको मैं साइड में रख दूँगी, आपको बताऊँगी इसको मैं आगे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। चलिए इमली गुड़ का पानी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है इमली, और गुड़ भी ऑलमोस्ट मेल्ट ही हो गया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने हाथों से ऐसे यहाँ पे इसको अच्छे से स्क्वीज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में। तो ये देखिए मैंने इसका प्यूरे कर दिया, तो इसको अब हम छान लेंगे। तो इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी आपको प्यूरे मिले ना, गुड़ और इमली का एकदम क्लीन रहे, इसमें कोई भी रेशे कचरे वगैरह मुँह में नहीं आने चाहिए। तो अच्छे से इसको ऐसे साफ करते जाएंगे, मतलब स्ट्रेन करते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मान लीजिए ये प्रोसेस भी नहीं करना है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी घर में इमली का चटनी है या फिर समोसे की कोई चटनी है, तो वो भी आप 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं यही प्रोसेस को करने के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एकदम ऑथेंटिक प्रॉपर इमली की चटनी भी बनाई है मेरे चैनल में, और ग्रीन वाला पानी और इमली का पानी भी बनाया है, वो सारे वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, आप चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। इसमें अब हम डाल देंगे पानी, तो करीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी इसमें डाल दीजिए। नॉर्मली जैसे हम पानी पूरी का पानी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है वो, जैसे पतला पानी आपको पसंद हो। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको सिर्फ खट्टा पानी बनाना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं, मतलब गुड़ माइनस कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको गुड़ नहीं यूज़ करना है, तो आप आगे जाके इसी पानी में सिर्फ 2 टेबल स्पून शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्की से मिठास के लिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पानी में हम डाल देंगे नमक करीबन 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ काला नमक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी चाट की रेसिपी में। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। करीबन 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हींग। फिर करीबन 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर फ्लेक्स। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ का पाउडर और सौंठ का पाउडर। सौंफ तो हमारी मेरे पास ही पड़ी थी, जल्दी से उसको मैंने दरदरा कर लिया चकले बेलन में। और सौंठ मतलब सूखे अदरक का पाउडर है। और मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं, जब आप मिक्सी में चलाएंगे ना, तो एक टुकड़ा अदरक का भी डाल दीजिएगा इमली के साथ, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर का पाउडर, चाट मसाला वगैरह, जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मसाले पसंद है आपके पानी पूरी के पानी में, वो भी आप डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स है इसमें अच्छे से रस बस जाए। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ये जो पानी है ना, एकदम अलग टाइप का पानी है, खट्टा मीठा तीखा प्याज वाला, और सबसे आसान है। इसमें गैस की ज़रूरत भी नहीं है हमको जलाने की। तो अभी इमली वाला पानी तो तैयार हो गया, आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब हम डालेंगे हरा मसाला। ये देखिए जो हरा वाला मसाला, मतलब जो चटनी हमने बना के रखी थी, वो हम डाल देंगे करीबन 2 से 3 टेबल स्पून, या जितना तीखा या स्पाइसी आपको पसंद है।
मान लीजिए अगर आपको पुदीना और हरी मिर्ची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है ना, तो आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एंड गारंटी फ्रेंड्स, आपको ये वाला पानी 100% पसंद आएगा। आप ट्राई कीजिएगा और अब खुद आके आप मुझे कमेंट करेंगे कि कनक क्या तो पानी बनाया आपने। और कलर भी आप देख सकते हैं पानी का, एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल वाला जो पानी होता है वो है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा टेस्ट और फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और लेमन जूस, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी फ्रेश धनिया। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल दिख रहा है, कितना माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग बना है हमारा पानी। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल दीजिए और थोड़ी सी बूंदी भी डाल सकते हैं। तो बस ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल दिख रहा है फ्रेंड्स, मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ, तो फटाफट आलू का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए थोड़े से बॉईल किए हुए आलू, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया वगैरह, जो भी मसाले आपको पसंद है मिक्स मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे एक पूरी, इसमें स्टफ करेंगे ये आलू का मसाला और डिप डिप करेंगे इस मज़ेदार पानी में। खट्टा मीठा तीखा प्याज वाला पानी फ्रेंड्स, इसको बनाना तो ज़रूर बनता है।